हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ। और आज की ये वीडियो है गूगल शीट की। गूगल शीट में खास क्या है, क्या सीखने वाले हैं? देखिए, यहाँ पर बहुत सारा डेटा आपको दिख रहा है और यहाँ पर ये स्टूडेंट का डेटा है और कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हुए हैं, फिर इनका टोटल और एवरेज भी कैलकुलेट किया है मैंने। तो अभी क्या करना है, अभी हमें सीखना है वीलुकअप फॉर्मूला। वीलुकअप फॉर्मूला तो बहुत पुराना है, आप सीख ही चुके हैं, यही सोच रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरे शीट पे इस डेटा को कॉपी किया है, ठीक है, ये केवल हेडिंग्स कॉपी किया है मैंने। अब यहां पर सपोज कीजिए मुझे वीलुकअप लगाना है दूसरे शीट पर, तो मैं अलग शीट पर वीलुकअप लगाऊंगा और उससे, और वीलुकअप ही नहीं लगाऊंगा, उसके साथ एक और फॉर्मूला यूज करूंगा, यानी दो फॉर्मूले यूज करूंगा और उससे मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर आ जाता हूं, ये आ गए हम, ठीक है, आप देख सकते हैं यही हमारी शीट है ना पूरी। तो अभी क्या करना है, हमने यहाँ पे तो डेटा कॉपी किया ही है, तो यहाँ पे जो डेटा हमने कॉपी किया है, ठीक है, ये देखिए शीट नंबर 6 पे ये जो डेटा कॉपी किया है, यहां पर आएंगे और क्या करना क्या है, हम यहां पर जो वैल्यू लिखे उसी को हम फाइंड करना चाहते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसको फ्रीज कर दीजिए, फ्रीज F4 दबाएंगे तो पूरा ये रो और कॉलम दोनों फ्रीज हो जाएगा, फ्रीज हो गया, कॉमा दे दीजिए। अब आपका डेटा कहां पर है, डेटा है हमारा शीट नंबर 7 पे, तो ये शीट नंबर 7 पे आ जाते हैं और ये पूरा ही डेटा हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा ही डेटा मैंने सेलेक्ट किया है, ना इतनी कम ना इतनी ज्यादा, F4 दबा के फ्रीज कर दिया मैंने, कॉमा देंगे। और यहां पर क्या करना है, आमतौर पर हम मैच यूज करते हैं लेकिन इस बार मैं यूज कर रहा हूं कॉलम्स, ठीक है, तो कॉलम्स का फॉर्मूला यूज करना है आपको, कॉलम्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर कॉलम्स लगा लिया, अब डेटा यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप, ये नेम ऑफ स्टूडेंट और ये दूसरा सब्जेक्ट है, इन दोनों को करना है सेलेक्ट, तो ये दोनों सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद करना क्या है, यहां पर आपको पहले हिस्से को करना है फ्रिज, यानी कि ए को फ्रिज कर दीजिए, यानी कॉलम को फ्रिज कर दीजिए, फिर रो को फ्रिज कर दीजिए और दूसरे वाले को ऐसे ही छोड़ दीजिए, बस हो गया काम आपका। अब यहां पर क्या करना है, इसको बंद कर देना है, बंद करने के बाद कॉमा देंगे। अब वीलुकअप में एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देने आपको पता ही है, तो यहां पे 0 दे देता हूं और ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और क्लोज करने के बाद अब प्रेस करूंगा एंटर। तो जैसे ही प्रेस किया एंटर, तो यहां पे एन यानी नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, कारण क्या है कि यहां पर कोई भी वैल्यू हमने नहीं दिया। अब मान लीजिए यहां पर मैं लिख देता हूं राम, तो जैसे राम लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि ये राम के मार्क्स आ गए हैं। तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं कि राम के कंप्यूटर्स में कितने मार्क्स हैं। तो यहां पर चेक करने के लिए हमको कहां जाना है, हमें जाना है शीट नंबर 7 पे, 29 मार्क्स है, ये देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं किसी अलग कलर से हाईलाइट भी कर देता हूं, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये लाइक ये देखिए, तो ये 29 मार्क्स हैं किनके, राम के। एक बार चेक करते हैं कि हमारे कितने आए हैं निकालने पर, तो यहाँ पे 29 आया हुआ है। अब इसको मैं ड्रैग करता हूं इधर की तरफ, यानी राइट साइड की तरफ ड्रैग करता हुआ चला जाता हूं, तो अब देखेंगे कि इनका टोटल ही जिस सब्जेक्ट में जितना मार्क्स है टोटल ही कैलकुलेट होकर आ जा रहा है। अब यहां पर क्या करूंगा, यहां से जाऊंगा मैं शीट नंबर 7 पे, अब देखते हैं यहाँ पे इंग्लिश में 8 है, फिजिक्स में 74 है और केमिस्ट्री में 80 है, तो इंग्लिश में 8 और फिजिक्स में 74 है, तो एक बार चेक करते हैं ना, शायद गलत आया हो। तो यहाँ पर चेक करने के लिए कहाँ चलेंगे, शीट नंबर 6 पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में 8 है, फिजिक्स में 74 है, केमिस्ट्री में 80 है, बायोलॉजी में 28 है और टोटल इनका आया हुआ है 219। तो क्या टोटल 219 है, ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहां से सीट नंबर 7 पे चलते हैं, 219 टोटल है ही है, ठीक है, लेकिन एवरेज नहीं आया हुआ है। तो एवरेज कैसे आएगा, एवरेज भी आ जाएगा आपका, आपको करना क्या है, सिर्फ इतना ही करना है कि इसको इधर की तरफ ड्रैग करवा दीजिए और ऊपर आपको एवरेज देना है, ठीक है, क्या देना है, एवरेज देना है। तो यहाँ पे AVERAGE लिख दीजिए एवरेज, ठीक है। फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए मैं यहाँ पे कर्सर को रखता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये फॉर्मेट भी हो जाएगा कॉपी। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जैसे ही एवरेज लिखा मैंने, तो यहाँ पर सही 54.2% कैलकुलेट होकर आ गया है एवरेज। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं कि 54.2 है या नहीं, तो ये देखिए ये 54.2 है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि कॉलम्स का फॉर्मूला वीलुकअप के साथ आपको जरूर पसंद आया होगा गूगल शीट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।